13th फाइनेंस कमीशन जो कांग्रेस के शासन में रहा उसमें केंद्रीय कर में बंगाल का हिस्सा सेंट्रल टैक्सेस में शेयर ऑफ बंगाल रेवेन्यू शेयरिंग 1,03,539 करोड़ 1,03,539 करोड़ था और 14th फाइनेंस कमीशन का कालखंड जो नरेंद्र मोदी सरकार का है उसको बढ़ाकर 1,03,000 से बढ़ाकर 2,89,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ग्रांट्स अनुदान सहायता जो पहले 9,520 करोड़ मिलती थी उसको बढ़ाकर 34,732 करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पहले नील मिलती थी बिग जीरो, अब रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट 11,760 मिलती है। लोकल बॉडीज ग्रांट पहले 1,444 करोड़ 1,444 करोड़ मिलते थे, अब 20,832 करोड़ देने की शुरुआत की है। इन टोटल अगर लगा लेते हैं तो पहले 1,32,783 करोड़ रुपया मिलता था, 1,32,783 उसकी जगह 3,59,406 करोड़ रुपीज नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजना शुरू किया। हम तो ग्रांट भेज रहे हैं, मीडिया बैठा है, मैं मीडिया के माध्यम से ममता दी को पूछना चाहता हूं, मैंने तो हिसाब दे दिया हम कितना भेजते, पैसा कहां गया इसका हिसाब किसने देना है भाई बताओ? मुझे देना है क्या इसका हिसाब? ममता बनर्जी ने देना है। पैसा गया कहां? क्यों बंगाल के अंदर बिजली नहीं आई? क्यों बंगाल के अंदर साक्षरता नहीं बढ़ती? क्यों बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता? क्यों बंगाल के अंदर स्वच्छ पीने का पानी नहीं पहुंचता? कहां गया पैसा? सारा पैसा सिंडिकेटों में समाप्त हो जाता है।